पोस्ट मॉडर्निज्म में जब आज हम देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, क्योंकि इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करके हम फिर इसके ड्रामा हो, इसका नावल हो, इसकी कोई भी टाइप की राइटिंग हो, कोई भी टाइप का जॉनरा हो, फिर हम उसको समझने के काबिल हो जाएंगे। आज पिछली दफ़ा हमने एक जनरल एक व्यू लिया था पोस्ट मॉडर्निटी और पोस्ट मॉडर्निज्म एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है क्या, ये टर्म कहाँ से आई थी, वो एक जनरल एक इंट्रोडक्शन था। आज हम इसका इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड देख रहे हैं और उसमें जो है ना हम इसे दो हिस्सों में देखेंगे। एक वो तीन बड़े थिंकर अभी हम देखेंगे, थ्री बल्कि हम इसे कह दें फाउंडिंग जो फादर्स हैं इस कॉन्सेप्ट के पोस्ट मॉडर्निज्म की तरफ, जो पूरी इस सोच को आगे लेके आए हैं, जो जिन्होंने ये बीज बोया है आप कह लें, उनका हम अगर नाम कर दें कि थ्री फाउंडिंग फादर्स तो भी बैड नहीं होगा। उसमें सबसे पहला नाम जो है, तीनों एक ही लेवल के हैं, इसमें आगे पीछे का कोई फर्क नहीं है, फ्रेडरिक नीत्शे का है। फ्रेडरिक नीत्शे अगेन वो एक की थिंकर है, तो हमें यहाँ पे तीन की थिंकर जो हैं अगर मैं आपके सामने रखूँ तो उसमें फ्रेडरिक नीत्शे का नाम आएगा, क्योंकि नीत्शे के ने जब अपनी फिलॉसफी दी तो फिर इसका बहुत ज़्यादा जो है ना वो दूसरे फिलासफर्स पे असर होता है। ये एक जर्मन फिलासफर थे, कल्चरल क्रिटिक, कंपोजर, पोएट, फिलोलॉजिस्ट, वाज एग्जर्टेड ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द मॉडर्न इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री। मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न समटाइम्स सिनोनिमसली यूज होगा, मॉडर्न का मतलब भी वही हम जदीद ले रहे हैं, एज ए टेक्निक नहीं ले रहे होते उस वक्त। सो इन्होंने जो बुक लिखी है, जो इन्होंने वर्क किया है, बड़े डीप फिलासफर थे, और इनके बारे में जैसे कि अल्लामा इकबाल की जो इनके बारे में नज्म है अगर वो भी आप देखें तो उसमें भी वो कहते हैं कि नीचे ने जो है ना अपनी इंटेलेक्ट से फलसफा को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इनसे पहले जो फिलोसफी की दुनिया है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, और फिर जिस किस्म की दुनिया इन्होंने स्टार्ट की ना एक्चुअली वही है पोस्ट मॉडर्निज्म, वही है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। इन्हीं डरीडा जो डीकंस्ट्रक्शन और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थॉट लेके आता है वो भी फ्रेडरिक नीत्शे के वर्क से वो ड्राइव करता है वो आइडिया, और फूको जो है वो जब हिस्टोरिकल सर्वे करता है तो वो इन्हीं की किताबों से डिस्कोर्स का आइडिया वो लेता है, और इसी तरह काफी सारे जो हैं वो जदीद थिंकर जो हैं या पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स, ये उनका फादर है, इंटेलेक्चुअल फादर आप इसे कह लें। एक्चुअली वाज बोर्न 1844 और 1900 में इनकी डेथ हुई, लेकिन इनके वर्क ने आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले किया, एक सीड का रोल प्ले किया जिससे पूरा दरख्त पोस्ट मॉडर्निज्म का निकला। और इनके जो डोमिनेंट, अगर क्योंकि हम इतना टाइम नहीं है, हम शॉर्ट में मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगा, और डिटेल में तो फिर एक एक थिंकर हम ले लें तो उस पर डिटेल से बहस हो सकती है और बात हो सकती है एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, लेकिन हम देख रहे हैं कि इन्होंने पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर पे क्या असर डाला होगा। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है विल टू पावर, बाद में हम मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न दोनों पे इनका असर हम आपको नजर आता है विल टू पावर का, और यानी इंसान की जो बुनियादी ड्राइव है वो है दूसरों को कंकर करना, वो कंट्रोल करना, वो पावर की तरफ लेके जाना है। और यहीं से आप देख सकते हैं कि मिशेल फूको ने अपना कॉन्सेप्ट ड्राइव किया होगा, और इसी कॉन्सेप्ट को आगे बर्नार्ड शॉ आप देखते हैं कि उनमें भी ऐसी चीजें नजर आती हैं। उसके अलावा सुपरमैन का इनका एक कॉन्सेप्ट ये था कि हिस्टोरिकल इंसान जो है वो अभी एक मीडियम मिडिल स्टेज के ऊपर है, यानी अभी प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग से अभी जो ह्यूमन बीइंग है ये बने हैं, और ये एवोल्यूशन जो है यहाँ खत्म नहीं हो गया। तो इन्होंने इस बात को रिजेक्ट किया कि इंसान जो है ना ये अब एक बेहतरीन क्रिएचर है, ये इन्होंने कहा नहीं जी ये बेहतरीन नहीं है, ये बिल्कुल फाइनेस्ट क्रिएचर नहीं है, जैसे उन्होंने कहा कि मजहबी लोग समझते हैं और उनकी ये गलत फहमी है कि वो फाइनेस्ट क्रिएचर है। एक्चुअली फाइनेस्ट क्रिएचर ने अभी आना है, यानी फ्यूचर में आएंगे, और इन लोगों में भी कुछ पैदा हो जाते हैं, सुपरमैन होते हैं वो, तो इन्होंने कहा कि अभी मैन आया है, सुपरमैन अभी डेवलप होना बाकी, इन्हीं में से निकलेगा वो, और कुछ लोग अभी भी अपने वक्त से बहुत आगे होते हैं तो वो सुपरमैन है। तो इसी तरह इन्होंने मोरालिटी और उस टाइम की जो वैल्यूज थी वेस्ट की उनको ठीक ठाक उन पे क्रिटिसाइज किया, और ही आल्सो अनाउंस द डेथ ऑफ द गॉड, जो इनका फेमस ऐसे है डेथ ऑफ द गॉड, कि अब उसकी कोई जो है हमारी दुनिया में जगह नहीं होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट से सार्तर ने अपना एग्जिस्टेंशियलिज्म ड्राइव किया, ठीक है। तो
हमें नजर आता है कि जितने भी पोस्ट मॉडर्न मॉडर्न थिंकर हैं, ये उनके रूहानी बाप हमें नजर आते हैं, और सारे अपने आइडियाज इन्हीं की किताबों से लेते हैं। अगर आप इनकी किताबें पढ़े करें तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा, ये तो फूको जो कुछ कह रहे हैं, जो डरिडा कहता है, जो सार्तर कहता है, ये जो सारे इनको इकट्ठा करें तो नीचे बन जाता है, या नीचे ने बुनियाद तो रख दी थी। और इवन कुछ क्रिटिसिज्म का ख्याल है कि अलामा इकबाल जो कि जर्मनी में पढ़ते रहे, तो नीचे कि सुपरमैन के कॉन्सेप्ट को ही वो अपने यहाँ लेके आते हैं अपनी शायरी के अंदर। यानी कोई भी ऐसा आथर मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न नहीं है जिसने इस थिंकर ने जिस पे असर ना डाला हो। अगर नहीं डाला तो उन्हीं पे नहीं डाला जिन्होंने पढ़ा नहीं। यानी हम लोग तो पढ़ते ही नहीं हैं, पता, ज्यादातर लोग तो तालीम ही नहीं हासिल करते, हम तो दाल गाते हैं तालीम के साथ, तो फिर उनको क्या पता चलना है। तो इनके वर्क्स को अगर देखें, द ग्रे साइंस एंड द स्पोक ज़ाराथुस्त्रा, ये जो बुक है ये मेरे पास पर्सनली मौजूद है, बियॉन्ड गुड एंड ईविल एंड द जीनियोलॉजी ऑफ द मोरालिटी एंड बियॉन्ड गुड एंड ईविल, तो खैर ये डबल का यहीं लिखने हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये इनके और भी इसी तरह काफ़ी सारे इनके वर्क हैं, प्रोलिफिक राइटर थे, काफ़ी कुछ लिखा है उन्होंने, लेकिन ये कुछ है आपके इंट्रोडक्शन के लिए। हिज आइडियाज हैव सिंस हैड अ प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन द 20th एंड 21st सेंचुरी थिंकर्स अक्रॉस फिलोसफी। और देखा जाए तो इन्होंने जो इन्होंने किताबें लिखी, जो काम किया है, उसके बाद फिलोसफी जो है वो हमेशा के लिए चेंज हो गई। ठीक है, इन्होंने आके जो है वो इम्पैक्ट ब्रेक किया है एक लिहाज से। जैसे कहा जाता है ना, डेरिडा ने अपने यहाँ लिखा कि जो प्लेटो का इम्पैक्ट था, प्लेटो ने जो काम किया था ना, प्लेटो ने, वो इतना लंबे अरसे तक उसका इम्पैक्ट रहा है कि नीचे ने आकर वो ब्रेक दिया है। नीचे से पहले जितने भी फलसफा है, आप पिछले 2-3 हज़ार साल का फलसफा उठाएंगे तो इम्पैक्ट ऑफ प्लेटो हमें नजर आएगा सारों के ऊपर। और उसके बाद जो नया प्लेटो पैदा हुआ है ना, यानी ये कोई न्यू प्लेटो उस सेंस में नहीं थे कि प्लेटो के ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रहे थे, आई मीन टू से कि नेक्स्ट जो बड़ा फिलासफर था, बाकी सब फिलासफर्स की जो स्प्रिंग है वो यहाँ से होगा। यानी पुराने सारे फिलासफर अगर देखें तो प्लेटो और सोक्रेटिक और जो प्लेटोनियन फिलासफी है ना, वो जो कि एक ही है, वो ही उन्हीं से ही वो इंस्पिरेशन लेते हैं और वहीं से आइडियाज ड्राइव किया करते थे, चाहे उनके अगेंस्ट करें चाहे उनके हक में करें, तो लेते वहीं से थे। तो यहाँ से आके पुरानी दुनिया अलग हो जाती है और एक नई दुनिया स्टार्ट होती है। स्पेशली इन स्कूल ऑफ द कॉन्टिनेंटल फिलोसफी एंड सच एज एग्जिस्टेंशियलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, एज वेल एज आर्ट, लिटरेचर, साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स, पॉपुलर कल्चर, तो आप इनका इन्फ्लुएंस देख सकते हैं कि ये कितने बड़े जायंट थिंकर हैं, कितने फलसफा की दुनिया में इनका कितना मकाम है। और फिर इनसे आने वाले जो है हमारी पोस्ट मॉडर्न जो है थिंकिंग है वो शेप होती है। जो थ्री की थिंकर मैं आपके सामने लेके आया, उसमें दूसरा बड़ा नाम जिसने बहुत ज्यादा मुतासर किया है अपने अलग ग्राउंड के ऊपर, वो थे सिगमंड फ्राइड। ठीक है, ही वाज बोर्न इन 1856 एंड डाइड इन 1939, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इन्होंने दायरे देख ली तकरीबन, यह शुरू होने वाली थी। वाज एन ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट एंड फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस, इन्होंने जो बुनियाद रखी जिस थ्योरी की वो था साइको एनालिसिस। और इनका ड्रीम एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है, इड ईगो, सुपर ईगो का, अनकॉन्शियस माइंड, फ्राइड से जो पहले दुनिया वो जहन को इस तरह से नहीं समझती थी, वो माइंड और वो स्पिरिट और बॉडी की डिवीजन पे बिलीव करती थी। ये पहली दफा माइंड बॉडी की डिवीजन लेके आए, और इन्होंने जो अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट दिया, और फिर उससे बीमारियों के बारे में जो इंसानों का रवैया था वो बिल्कुल ही बदल गया। इसके बाद इरोज और थैनाटोस का जो कॉन्सेप्ट दिया, ये लाइफ फोर्स एंड डेथ फोर्स जो है, डेथ इंस्टिंक्ट है, और डेथ विश के बाद कॉन्सेप्ट, ईडिपस कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए। और इससे भी आप समझ सकते हैं कि जो अंदर की दुनिया थी इंसान की, जो जहन की दुनिया थी, इनर वर्ल्ड थी, उसको एक साइंटिफिक बेसिस मिली। फ्राइड वर्क हैज सफ्यूज कंटेम्पररी वेस्टर्न थॉट एंड पॉपुलर कल्चर। इवन W.H. ऑर्डन एक पोइट है, 1940 में पोएटिक ट्रिब्यूट टू फ्राइड डिस्क्राइब हिम एज हैविंग क्रिएटेड ए होल क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन अंडर होम वी कंडक्ट अवर डिफरेंट लाइव्स। तो इन्होंने जो सोच में तब्दीली इन्होंने लाई है, उसके बाद भी दुनिया बदल गई। और अभी आर्डम जैसे बड़े पोइट भी कह रहे हैं कि हम जिस ओपिनियन, जिस तरह आज हम बनाते हैं, जिस तरह इंसानों के रवैयों को आज हम समझने की कोशिश करते हैं,
तो वो साइकोलॉजिकल जो एनालिसिस है उसकी बुनियाद पड़ गई, और वो इससे पहले तो बिल्कुल होता ही नहीं था। इंसान के जो अपने एक्शन है उनकी तो इंटरप्रिटेशन की ही नहीं जाती थी, और एक डिवाइन कंट्रोल की हमेशा बात की जाती थी। तो इन्होंने इंसानी जहन को मैप किया, पहली बार मैप हुआ इंसान का माइंड, और साइकोलॉजी की बुनियाद भी रखी, एक बहुत बड़ी ब्रांच जो फ्यूचर है साइंस का। और तीसरा जो की थिंकर है जिसने बहुत ज्यादा पोस्ट मॉडर्निज्म को या पोस्ट मॉडर्न थिंकिंग को डेवलप किया है, वो थे कार्ल मार्क्स। तो ये जो तीन थिंकर है ना, आप बच्चों याद रखना कि जब तक आप इनको नहीं समझेंगे, आप बिल्कुल ये पोस्ट मॉडर्न कंडीशन को तो बिल्कुल आप समझ नहीं पाएंगे कभी भी। आप जितना भी इसमें कोशिश करेंगे, वर्क टू वर्क आप सिर्फ बैफल्ड हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। लेकिन इन की थिंकर्स को आपको अंडरस्टैंड करना है तो आपको पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी, ओवरऑल कॉन्सेप्ट और सारे वाक्यात जो है वो अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएंगे। वाज ए वाज आल्सो जर्मन फिलासफर, तो जर्मनी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन आपको नजर आ रहा है। इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन, सोशियोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल थियरिस्ट, जर्नलिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, रेवोल्यूशनरी, और इनके जो आज जो हम पढ़ते हैं ना प्रोलेटरिएट एंड बुर्जवा क्लासेस, और बेस और सुपर स्ट्रक्चर कैसे कंट्रोल करता है, कैपिटलिज्म की बात, सोशलिज्म, कम्युनिज्म और आइडियोलॉजी की जो डिबेट है सारी, ये सारे कॉन्सेप्ट जनरेट किए हैं कार्ल मार्क्स ने। और ये भी कितने इन्फ्लुएंशियल हैं, ना सिर्फ इनका सोशल इम्पैक्ट हुआ, पॉलिटिकल इम्पैक्ट हुआ, बल्कि आज जो पोस्ट मॉडर्न जो थिंकर होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली दे आर सोशलिस्ट थिंकर्स। और जब तक वो इस तरह से नहीं देख लेते सिस्टम को, और पहली बार देखे ना ऐसे थिंकर ने हमें दिया कि इसी को देखकर फिर पोस्ट मॉडर्न जो ड्रामा हो या नॉवल हो या जो भी चीजें हैं, उनमें हीरो को अब किसके मुकाबले में देखते हैं, सोसाइटी, इब्सन और अदर राइटर जो हैं आप जब लिखेंगे फ्यूचर के अंदर, या और बड़े ऑथर ने लिखा, तो अब फेट वाला कॉन्सेप्ट पुराना हो चुका था, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने समझाया कि इंसान का ट्रबल जो है, जो प्रॉब्लम है उसको इंडिविजुअल को फेस करने पड़ते हैं, वो सोशल स्ट्रक्चर की वजह से होते हैं। जब तक आप इन्हें ठीक नहीं करेंगे, आपको सोल्यूशन नहीं मिल सकते। इस बेस्ट नोन टाइटल्स आर 1848 पम्फलेट, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अगर इनके दो बड़े काम अच्छे देखे जाए, आप पढ़ना चाहते हैं, तो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी मेरे पास है, डास कैपिटल भी है मेरे पास पर्सनली भी, मैंने इनको बाय किया। और ये तो बिल्कुल ही छोटी सी एक बुक है, अराउंड अबाउट 100 पेज की होगी, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो आप इसको देख सकते हैं। फिर इन्हीं की थीरी की बुनियाद पर, आपको पता है कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन रशिया में आता है, क्यूबा में आता है, चाइना में आता है, वियतनाम में आप देख सकते हैं। और उसके अलावा दास कैपिटल, दास कैपिटल जो है ना, इसमें उन्होंने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव 3 वॉल्यूम इसके दिए, कॉम्प्रिहेंसिव एक रिव्यू किया है, और मटेरियल बेसिस को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी तरफ हमेशा ध्यान जो है वो नहीं देने देते थे। जो एक्सप्लॉइटर है वो तो नहीं चाहते थे कि आप ये सिस्टम समझ जाएं। मार्क्स पोलिटिकल एंड द फिलोसफिकल थॉट हैड एनॉर्मस इन्फ्लुएंस ऑन सबसिक्वेंट इंटेलेक्चुअल इकोनॉमिक एंड द पोलिटिकल हिस्ट्री। हिज नेम हैज बीन यूज्ड एज ए एडजेक्टिव नाउन एंड स्कूल ऑफ सोशल थियरी। इवन मार्क्सिज्म जो है, इसका नाम एक एडजेक्टिव बन गया, एक बाकायदा एक थियरी का नाम बन गया। मार्क्स जो क्रिटिकल थियरीज अबाउट सोसाइटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग एज मार्क्सिज्म होल्ड द ह्यूमन सोसाइटी डेवलप थ्रू क्लास कॉन्फ्लिक्ट। मैन इंटेलेक्चुअल intellectuals, labor union, artists and the political parties worldwide have been influenced by the Marx work, with many modifying or adopting his ideas. Marx is typically cited as one of the principal architect of the modern social science. तो ये लाइन मेरे ख्याल में समझने के लिए हमारे लिए काफी है, इसको सेपरेट में करना चाहिए। सो मार्क्स इज, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ही इज द वन ऑफ द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न सोशल साइंस। ठीक है, ये तीनों जो थिंकर अभी मैंने आपको आपके सामने रखे, द की थिंकर है, बुनियाद है, जिन्होंने सोच को बदला है और नई थिंकिंग जो है वो लेके आए हैं। अब हम पोस्ट मॉडर्न वो पार्टिकुलर थिंकर्स की तरफ चलते हैं, जो जो जिन्होंने इन्हीं तीनों के काम को आगे बढ़ाया, ठीक है, और फिर पोस्ट मॉडर्न थिंकर कहलाए। जों फ्रैंकोइस लियोटार्ड जो है 1724 में पैदा होते हैं, 94 तक, इनकी कंट्रीब्यूशन भी बेमिसाल है इस हवाले से। वी कैन एंड कंसंट्रेट अपॉन द की थियरीज हुज आइडियाज हैव शेप्ड दीज डिबेट्स अबाउट द फिलोसॉफिकल इफेक्ट ऑफ द थियोरेटिकल इंपैक्ट ऑफ द मूवमेंट आफ्टर मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म से पोस्ट मॉडर्न की तरफ जो लेके जाने वाले में एक बहुत बड़ा नाम है लियोटार्ड का, ये भी फ्रेंच फिलोसोफर थे। द फिलोसोफर हु इज सेड टू हैव पुट द फर्स्ट
पोस्ट मॉडर्न कैट अमंग द मॉडर्निस्ट पिजन्स वाज योए यो फ्रेंकोए लॉयथार्ट। तो ये वो पहले फिलोसफर हैं बाकायदा से जिन्होंने मॉडर्निज्म पे अटैक करते हुए पोस्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट की तरफ दुनिया की तवज्जो दिलाई, इंटेलेक्चुअल की थिंकिंग जो है वो डेवलप की। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन अ रिपोर्ट ऑन द नॉलेज 1979 में इनकी बुक आती है, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी बुक है। जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है ये बकायदा से इन्होंने थीरी जो है वो इंट्रोड्यूस करा। वी ऑक्यूपाइज ए स्पेशल प्लेस अमंग द सेट ऑफ बुक्स व्हिच लॉन्च्ड एन अटैक ऑन द मॉडर्निटी। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द आर्ट था, जो मॉडर्न थिंकिंग थी, इन्होंने उस पर एक सिस्टमैटिक जो अटैक लॉन्च किया। हिज आर्गुमेंट इज फॉर ए रिजेक्शन ऑफ द सर्च फॉर लॉजिकली कंसिस्टेंट सेल्फ एविडेंटली ट्रू ग्राउंड फॉर फिलोसफिकल डिस्कोर्स। ये जो मॉडर्निज्म तक जितनी भी फिलोसफी थी वो एक डेफिनेटली एक ग्राउंड पर हो रही थी, एक सिस्टम, एक स्टेबल प्लेस के ऊपर हो रही थी। तो इन्होंने सेल्फ जो एक कंसिस्टेंट लॉजिकल ग्राउंड है उसको रिजेक्ट कर दिया। इंस्टेड ही वुड विश टू सब्स्टिट्यूट एड हॉक टैक्टिकल मैनूवर्स एज जस्टिफिकेशन व्हाट आर जनरली कंसिडर्ड एक्सेंट्रिसिटीज। ठीक है, और बजाय इसके उन्होंने स्टेबिलिटी के बजाय अनस्टेबल, एक एड हॉक, एक टेम्पररी जो सिचुएशन है उसको कहा कि उसी पर सिर्फ बात हो सकती है, क्योंकि रियलिटी कॉन्टेक्चुअल है। यहाँ से आप समझना शुरू कर सकते हैं चीज को। अल्टीमेटली ही सस्पिशियस ऑफ ऑल द क्लेम्स टू प्रूव आर ट्रूथ, लिहाजा जो सच की जो बात की ट्रूथ अल्टीमेटली ये दैट इज द रियलिटी, दैट इज द ट्रूथ, जो ट्रूथ फाइंडिंग है ना उस कॉन्सेप्ट को ही इन्होंने खत्म कर दिया। यहाँ से आप नीचे का भी इन्फ्लुएंस आप देख सकते हैं इनके ऊपर। एज ही पुट्स इट, साइंटिस्ट टेक्नीशियंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर परचेज नॉट टू फाइंड ट्रूथ बट टू अगमेंट पावर। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन पेज 46 पे लिखते हैं, जैसे आप बात अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि हमें जो लगता है ना कि साइंटिस्ट जो खोज लगा रहे हैं, सच की खोज लगा रहे हैं, टेक्नीशियन वर्क कर रहे हैं, या इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जा रहे हैं, नई नई चीजें बनाई जा रही हैं, इनका पर्पज या इन चीजों को खरीदने का पर्पज क्या होता है? आज को रियासत क्यों खरीदती है इनको? क्या आपको लगता है वो सच जाना चाहती है? बिल्कुल नहीं, बट टू ऑगमेंट पावर, गेम है पावर की, वो अपने आप को ताकतवर करना चाहती है। तो चीज़ों का हमेशा ही जो है ना वो रियासतें, मॉडर्न जो स्टेट्स हैं वो पावर को डेवलप करने के लिए यूज करती हैं। इन इस कंसिडर्ड व्यू बीनीथ द फसाड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी देयर ऑलवेज ए हिडन एंड डोमिनेंट डिस्कोर्स ऑफ रियल पॉलिटिक, एक वर्ड ये देती है रियल पॉलिटिक, द एक्सरसाइज ऑफ टेरर। रियल पॉलिटिक यही है, एक्सरसाइज ऑफ टेरर, के बजाहिर तो ये कहेंगे कि हम भलाई के लिए काम कर रहे हैं, या गवर्नमेंट हमेशा ही आपको कहेगी आपके फायदे के लिए हम ये कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा ही आपको कंट्रोल करने के लिए कर रहे होते हैं। उनका पर्पस पावर को डेवलप करना है, स्ट्रक्चर को बनाना है। उसके अलावा एक और जो हमारे पास आथर है वो है जी जॉन बॉदरीलार्ट। वॉज बोर्न इन 29 और डेथ डेट का भी मैंने चेक नहीं किया था। So next to the Lyotard, the founder of the postmodernism comes Jean Baudrillard, another French intellectual who can be called the high priest of the postmodernism. तो हम इनको भी हाई प्रीस्ट में रखते हैं। हाई प्रीस्ट मतलब वो प्रीस्ट है जो बुनियादी अहमियत के हामिल है। अकॉर्डिंग टू द बॉदरीलार्ट, पोस्ट मॉडर्निटी इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय सिमुलेशन एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन। तो इन्होंने जो बात की है वो न्यू फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस वक्त आ चुके हैं। इवन इस वक्त जो ये लेक्चर आप सुन रहे हैं ये भी टेक्नोलॉजी की ही बेस पर है, आप मुझे देख नहीं रहे बल्कि एक सिमुलेशन, एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं। His argument is that whereas earlier cultures depend on either face-to-face communication or the later print, contemporary culture, यानी पहले face-to-face होती थी, फिर print की तरफ आ गई, और आज की जो दुनिया है, culture is dominated by the images from the electronic mass media. तो इनका सारा जो है ना वो study का focus था mass media का, जो media का, जो technology का influence है इंसान के ऊपर, और उसने हमें एक नई reality मुतारिफ करवा दी है। Our lives today are increasingly being shaped by the simulated events. क्योंकि आज जो है ना वर्चुअल इवेंट्स में रहते हैं, सिमुलेटेड इवेंट्स के रहते हैं, वर्चुअल क्लासेस, जैसे कोरोना ने तो बिल्कुल ही वर्चुअल कर दिया सब कुछ। और आज आप देखें ना फेसबुक के में आपकी आइडेंटिटी है, व्हाट्सएप पे आपकी आइडेंटिटी है, आपका जो है आईडी कार्ड इवन नंबर है वो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप देख रहे हैं सारा कुछ वर्चुअल है। अब इवन बाय आज शॉपिंग ऑनलाइन हो चुकी है, टेलीविजन, कंप्यूटर शॉपिंग, वर्चुअल स्टोर्स, और ये सारी चीज़ों के अंदर इंसान की जो जिंदगी ढल गई और एक नई रियलिटी में वो आ गए हैं। तो इसका मतलब वो असल जो हकीकत थी ना, जो सेंसेस वाली रियलिटी थी, उससे आज लोग बहुत कट ऑफ हो चुके हैं।
आज देखिए आपका ज्यादातर लोगों का जो माइंड शेपिंग है वो तो ये वर्चुअल रियलिटी से हो रहा है, आई मीन टेलीविजन करते हैं, वो टीवी से ही ड्रामे से देख के वो एक नतीजा निकालते हैं और खबरें सुन के वो नतीजे निकालते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया कहाँ पे पहुंच चुकी है, और उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो अब लोगों का है ही नहीं। सिमुलेशन इज इन विच द इमेज आर द मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी। सो सिमुलेशन क्या है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग, एक मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी, एक बनाई हुई, एक आर्टिफिशियल, ये एक वर्चुअल दुनिया है, बिकम्स मोर रियल देन द रियल। तो भादरी लाड कहते हैं कि ये जो हमारी ये जो मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी है ये अब रियलिटी से भी बड़ी रियलिटी है। मिसाल के तौर पर यही आपसे एमए की डिग्री ले ली जाए और आपका आईडी कार्ड भी ले लिया जाए, फेसबुक अकाउंट भी बंद कर दिया जाए और सारे सोशल मीडिया भी, तो आप कहाँ पे स्टैंड करेंगे, कभी सोचे? आप तो हैं ही नहीं। तो आपकी जगह पे ये एक सिमुलेटेड एक चीज ही चल रही है। और दूसरी सूरत में देखें, एक एक चले मेरी मिसाल ही ले लें, अगर मैं आज मर जाता हूँ, या हो सकता है मैं मर चुका हूँ, ये भी तो हो सकता है, लेकिन मेरे लेक्चर ऐसे ही ऑनलाइन आ रहे हो और अपलोड मैं उसे लगा दूं कि हर महीने के बाद एक लेक्चर आता रहेगा और 100-200 लेक्चर बना के रख जाऊं, तो इसका मतलब है कि मैं ओरिजिनली तो एक्सपीरियंस तब होगा ना जब लोगों को पता चलेगा कि मैं नहीं हूं, लेकिन आपका और मेरा ताल्लुक तो ये वर्चुअल है सारा, ये तो चलता रहेगा, पता ही नहीं चलेगा किसी भी स्टूडेंट को। इन हिज व्यू द डिमार्केशन बिटवीन द सिमुलेशन एंड रियलिटी, इसका मतलब है रियलिटी एक वो दुनिया जिसे आप सेंसेस एक्सपीरियंस करते हैं और एक वो वर्ल्ड है जिसे मैन्युफैक्चर किया गया है, विच इज कॉल्ड सिमुलेशन। आज ज्यादातर लोग सिमुलेशन के अंदर जीते हैं, रियलिटी के अंदर नहीं, असल उन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया होता। और जैसे टीवी पे बताया, जैसे वर्चुअल रियलिटी ने आपको गाइड किया कि ये रियलिटी है बस, तो बस वही रियलिटी है। अगर वही आज न्यूज पे आके कह दें पाकिस्तान एक प्रोग्रेस कंट्री है और देखें क्या कुछ हो रहा है, जबरदस्त काम हम कर रहे हैं, तो बस हो रहे हैं, और अगर वो ना बताए जाए तो नहीं हो रहे हैं। टोटल चीजें किस पे डिपेंडेंट है, एक वर्चुअल रियलिटी के ऊपर। तो ये बात कर रहे हैं कि डिस्टिंक्शन बिटवीन द इमेज एंड द रियलिटी जो है वो आपको कोलैप्स होता जा रहा है। सो एक और इन्होंने टर्म दी हाइपर रियलिटी, अकॉर्डिंग टू द बादली राड इज द स्टेट वेयर डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन आर डिसॉल्व। तो हम एक नई दुनिया में आ गए, सिमुलेशन और रियलिटी के निकल के एक हाइपर रियलिटी में हम जी रहे हैं। इन द स्टेट वी आर लेफ्ट विद ओनली सिमुलैक्रा, तो हमारे सामने अब सिर्फ सिमुलैक्रा रह गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। ओरिजिनल जो रियलिटी थी अब हम उसको समझ नहीं पाए थे, हमें पता ही नहीं है अब उसका। अगर बादरी लाड को आपने सही तौर पे समझना है तो आप एक, मैं आपको मूवी रिकमेंड कर सकता हूँ, विच इज मूवी जो है ना, अगर आप ये देखें तो बिल्कुल इनके कॉन्सेप्ट के ऊपर है, द मैट्रिक्स। ये जो मूवी है ना द मैट्रिक्स, अगर आप ये देखें तो जिस दुनिया की बात वो करता है ये उसी की बात कर रहे हैं। ये सारा का सारा आपको कॉन्सेप्ट सिनेमा स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, आज ही डाउनलोड करके देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखी वो तो बहुत बड़ी मिस्टेक उन्होंने की है अभी तक, मैट्रिक्स जरूर देखें। उसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट बेसिक थिंकर हैं वो हैं जैक डेरिडा, ये भी फ्रेंच है, 1930 में पैदा हुए, 2004 में इनकी डेथ हो चुकी है। परहैप्स द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन अमंग द पोस्ट मॉडर्न इंटेलेक्चुअल हैज बीन यॉन्ग आर जैक डेरिडा, हु रिमेन्स द प्रिंसिपल थियरिस्ट ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। इन्होंने जो एक थियरी दी है विच इज कॉल्ड डीकंस्ट्रक्शन, आपने जरूर इसका नाम सुना होगा, और इसे आप अंदाजा लगा लें कि इन्होंने एक नया कंसेप्ट दे दिया कि टेक्स्ट तो इटसेल्फ इसके अंदर डीकंस्ट्रक्ट कर देता है, एक बाइनरी सिस्टम है और ये बाइनरीज के जरिए चलता है, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी भी साथ दिया, जो तो शायद मैंने नीचे ना लिखा और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाइनरीज का जो कॉन्सेप्ट है। द पब्लिकेशन ऑफ द थ्री ऑफ हिज बुक्स इन 1967, नेमली राइटिंग एंड डिफरेंस, इनकी जो तीन बड़ी बुक्स है, ऑफ ग्रामेटोलॉजी, ये जो है बुक मैंने पढ़ी हुई ऑफ ग्रामेटोलॉजी मेरे पास है भी सी, एंड ऑफ स्पीच एंड फिनोमेना लेड द फाउंडेशन ऑफ द थियरी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन। ये तीन इन्फ्लुएंशियल बुक हैं, वैसे ये बड़े प्रोलिफिक राइटर थे, काफी ज्यादा किताबें लिखी हैं, लेकिन अगर आपने इनको समझना है तो राइटिंग एंड डिफरेंस, ऑफ ग्रामेटोलॉजी एंड ऑफ स्पीच एंड फिनोमेना आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा अब तक का जो तजुर्बा है किताबें पढ़ने का, मैं इसमें आपको ये शेयर कर सकता हूँ कि ऑफ ग्रामेटोलॉजी जो है ये सबसे मुश्किल तरीन किताब है, जितनी भी आप पढ़ेंगे किताबें आज तक जो मैंने आपको रिकमेंड की हैं उनमें से जो सबसे टफ है, जो बहुत मुश्किल है, जैसे समझना के लिए आपको प्लेटो का ब्रेन चाहिए कम से कम, तो ऑफ ग्रामेटोलॉजी में आप हाथ डालना चाहते हैं तो जरा ध्यान से।
डरेटा हैज इट्स प्रीकसर्स इन फ्रेडरिक नीचे, मार्टिन हेडगर, सिगमंड फ्रायड, हु क्वेश्चन द फंडामेंटल फिलोसफी कॉन्सेप्ट सच एज नॉलेज, ट्रूथ एंड आइडेंटिटी। तो डरेटा ने अपने कॉन्सेप्ट के अपने उस्तादों से लिए, मार्टिन हेडगर से इन्फ्लुएंस लिया है, फ्राइड से, नीचे से, जिन्होंने क्वेश्चन किया था बेसिक कॉन्सेप्ट के, नॉलेज क्या होता है, रियलिटी क्या है, आइडेंटिटी क्या है, ये तीनों क्वेश्चन जो है चीज़ें जो है क्वेश्चन हो चुकी थी। ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ द कोहेरेंट इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड द यूनिटरी सेल्फ, ये भी चीज़ें ब्रेक हो चुकी थी कि सेल्फ एक है और एक कॉन्शियसनेस एक होता है, समझदारी एक डेवलप होती है, ऐसा कुछ नहीं था, रियलिटी सारी कॉन्टेक्चुअल है उन्होंने कहा, और जो आइडेंटिटी है ये भी आपकी अनस्टेबल है और इवन जिंदगी में भी बदलती रहती है। ऑल्दो नोटोरियसली डिफिकल्ट एंड एल्यूसिव, डेरिडा'स व्यू कैन बी समराइज एज इंटर, हम थोड़ा सा इनको देख सकते हैं, ऑल्दो बहुत मुश्किल है इनको इतने थोड़ी सी जगह पे आपको इनका समझाना, मेरे लिए भी ऑल्दो इस पर अलग से हम अगर करते कभी तो, खैर ये बहुत बड़े आथर हैं, बहुत टाइम टेकिंग है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन है ताकि आप फर्दर अगर पढ़ना चाहें खुद से तो खुद से मेहनत करें, ऐसा ऐसा समझ आएंगे आप। He insisted that all Western philosophy and theories of the knowledge and language and its use of culture are logocentric. एक तो उन्होंने concept दिया कि everything is logocentric. ठीक है, logo क्या है? What he means is that are centered on the grounded on a logo, which in Greek signified both word and rationality. यानी दोनों के लिए मतलब है, logo mean word, logo mean rationality. आपको पता है sciences के साथ logo या logy लगा होता है, biology जो है, जैसे psychology है, biology है, sociology है, ये जो logy word आप देखते हैं मतलब है कि ये रैशनैलिटी पर बेस्ड सिस्टम होगा। तो इनका ख्याल था कि वेस्टर्न जितनी भी फिलोसफी है वो लोगो सेंट्रिक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, लेकिन ये याद रखिए काफी इलूसिव कॉन्सेप्ट्स हैं। डेरिडा'स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कॉन्सेप्ट हैज बीन दैट ऑफ डिफरेंस, जो डिफरेंस और डिफरेंस है ये इनका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देयर आर नो एब्सोल्यूट मीनिंग इट मीन्स, नॉर आर द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टेबल, यानी कोई भी वर्ड है, कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी बात है, इवन मेरा ये जो लेक्चर है, कोई भी चीज़ है, ये मीनिंग, ये आप इस वक्त अगर 6 लोग ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आप यकीन करें ये 6 अलग मीनिंग यहाँ से निकलेंगे, 6 अलग दुनिया होगी, क्योंकि आप सबका एक्सपीरियंस अलग है और आप एक ही बात जो आ रही है इसको 6 तरह से समझेंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि सिंगुलैरिटी ऑफ द मीनिंग जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, मीनिंग कभी स्टेबल रह ही नहीं सकते, और एब्सोल्यूट तो कुछ भी नहीं, एज वर्ड्स ऑलवेज डिफर देयर मीनिंग। तो ये डेफर और डिफर दोनों का जो कि कॉन्सेप्ट डिफरेंस के अंदर है, डिफरेंस के अंदर डिफर भी है और डेफर भी है। डेफर मीन पोस्टपोन करना, आप आगे आने कई ऑथर्स को देखेंगे जो अपने नॉवल के अंदर कोई नतीजा नहीं निकालते, पोस्टपोन कर देते हैं, डेफर कर देते हैं, तो मीनिंग हमेशा डेफर होते रहते हैं और मीनिंग डिपेंड भी डिफरेंस पे करता है। ये जो हमने पढ़ा था इसको लिंग्विस्टिक्स के अंदर, एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर, साइन और सिग्निफाइड का जो कॉन्सेप्ट है। So any utterance, therefore, oral or written, can be subject to any number of the interpretations depending upon the reader's ability to play with the various possible meanings each word is capable of yielding. तो कोई भी वर्ड जितने भी मीनिंग, एक जितनी आपकी हिम्मत है उसकी इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। तो रियलिटी क्या है, इसी में डेरिडा ने कहा कि इंटरप्रिटेशन ही है सारा कुछ, और जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है आप उसके मुताबिक ही इंटरप्रेट करते हैं, इसलिए कोई एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं दिए जा सकते। In the reader's view, as we shows, there is a tacit hierarchy implied on those boundaries in which the term that comes first is privileged and superior, while the other that comes second is derivative and inferior. ठीक है, जब boundaries हम सर्च करते हैं, जब कंसेट करते हैं तो उनमें उसकी दो साइड होती हैं, एक जो पहले हम बयान करते हैं उसे privileged part कहते हैं और दूसरा जो है वो under privileged part होता है। और वेस्टर्न ने उन्होंने कहा कि जो थिंकिंग है वो सारी बाइनरी पर बेस्ड है, बल्कि थिंकिंग सारी की सारी ही बाइनरी पर बेस्ड है। हिज मोस्ट आर्डेंट फॉलोअर्स हैव हाउएवर बीन इन अमेरिका, नॉट इन इंग्लैंड। अमेरिका में इनको, इनके जो अदर वर्क्स हैं उनको पढ़ा जा सकता है। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑफ दीज हैज बीन, जिन पर इन्होंने असर डाला और जिन्होंने इनकी बात इनके आगे समझ लें, जो डिसाइपल हैं पॉल डी मैन, उनकी जो एलेग्रीज ऑफ रीडिंग 79 में जो बुक आती है, वाज द अर्लीस्ट एप्लीकेशन ऑफ द डेरिडा'स कॉन्सेप्ट एंड प्रोसीजर्स। आप इनकी एप्लीकेशन, इनकी प्रोसेस को समझना चाहते हैं और डिटेल के अंदर, तो पॉल डी मैन। देन केम बारबरा जॉनसन, अ स्टूडेंट ऑफ पॉल डी मैन है, हुज वर्क द क्रिटिकल डिफरेंस 1980 में आप पढ़ सकते हैं, कैरीड द टास्क ऑफ एप्रोप्राइटिंग डेरिडा टू द लिटरेरी क्रिटिसिज्म स्टिल फर्दर। और उसके अलावा जे हिल्स मिलर,
इनको भी आप देख सकते हैं, वंस लीडिंग अमेरिकन क्रिटिक एंड द जेनीवा स्कूल कन्वर्टेड टू डीकंस्ट्रक्शनिज्म एंड कंट्रीब्यूटेड टू द थियरीज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हिज फिक्शन एंड रेपिटेशन सेवन इंग्लिश नॉवल्स, ये जो उनकी बुक है फिक्शन एंड रेपिटेशन सेवन इंग्लिश नॉवल्स। तो खासतौर पर अगर नॉवल में आप ये चीज़ एप्लीकेशन देखना चाहते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है। द लिंग्विस्टिक मूवमेंट फ्रॉम वर्ड्सवर्थ टू स्टेवंस एंड थियरी देन एंड नाउ, 1991 के अंदर ये उनकी बुक है, जे हिलिस मिलर। तो ये भी पोस्ट स्ट्रक्चर लिस्ट है। उसके बाद जो हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट थिंकर हैं वो है मिशेल फुको। वाज बोर्न इन 1926 एंड डाइड इन 1804 के अंदर। एज ही हिमसेल्फ डिस्क्राइब, फुको वाज अ स्पेशलिस्ट इन हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम ऑफ थॉट। वो अपने बारे में जैसे कहते हैं कि स्पेशलिस्ट इन हिस्ट्री ऑफ सिस्टम ऑफ थॉट, although we often call him a French philosopher and historian. Even though he wrote a variety of the subjects ranging from science to literature, his works that have influenced the course of the postmodern literature and literary criticism include The Archaeology of Knowledge, ये book है मेरे पास personally, Archaeology of Knowledge, काफ़ी tough है, Foucault भी बहुत मुश्किल लिखते हैं, बहुत ही पेचीदा इनका तरीका है, ऐसा लगता है सिर्फ philosophers को address कर रहे हैं। द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स एंड डिसिप्लिन एंड पनिश बहुत फेमस होती है, द बर्थ ऑफ द प्रिज्म एंड हिस्ट्री ऑफ सेक्शुअलिटी, पावर नॉलेज रिलेशनशिप जो है, व्हाट इज एन ऑथर एंड मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। तो फूकोर जी ने भी डेरिडा से, सॉरी नीचे से ये कॉन्सेप्ट लिया था डेरिडा की तरह ही, और नीचे ने जैसे कि क्रिटिसाइज किया आइडेंटिटी को और इन चीज़ों को, तो इन्होंने और नीचे ने एक प्रपोजल दिया था कि हमें हिस्ट्री को दोबारा से देखना चाहिए नए जावियों के साथ। तो मिशेल फूको ने उसको फिर देखा प्रैक्टिकली, और इन्होंने डिस्कोर्स का जो वर्ड आप सुनते हैं ना, डिस्कोर्स का वर्ड ये भी दुनिया को दिया, ये कॉन्सेप्ट भी। इन द बुक लिस्टेड लास्ट, फूको एक्सप्लोर्स हाउ मैडनेस इज सोशली कंस्ट्रक्टेड बाय द वाइड वैरायटी ऑफ डिस्कोर्सेज दैट गिव राइज टू द कलेक्टिव एटीट्यूड और मेंटेलिटीज ऑफ द डिफाइनिंग इनसैनिटी। तो यार अपने सर्वे में देखा है कि किस तरह जो मैडनेस है और सेक्सुअल जो रिलेशन के जो कॉन्सेप्ट हैं, कुछ चीज़ें अच्छी यानी अच्छी और बुरी जो मोरालिटी में आप देखते हैं, इनको ग्रेजुअली जो वो डिफाइन कर दिया जाता है, सोशल स्ट्रक्चर जो वो डिफाइन करता है, और एक इनविजिबल पावर जो है वो हमें होल्ड किए रखती है। इन हिज हिस्ट्री ऑफ द फिलासफी फोकस वर्क फॉल विद इन द ट्रेडिशन एस्टेब्लिश्ड बाय द नीचे फॉर हुम ही अडॉप्ट्स द टेक्निक ऑफ जीनियोलॉजी एंड द इनसाइट दैट द सर्च फॉर नॉलेज इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ विल टू पावर ओवर अदर्स। इनका जो कॉन्सेप्ट था नीचे का विल टू पावर, और जो हम नॉलेज कलेक्ट करते हैं, नॉलेज पावर जो रिलेशनशिप है, ये भी इन्होंने अपने जो रूहानी बाप हैं उनसे लिया है नीचे से। क्योंकि सारी जो एफर्ट है नॉलेज कलेक्ट करने की और सारी जो एफर्ट है इंसान की, वो उसका पर्पज यही होता है कि वो पावर को एनहेंस करे और कंट्रोल करना चाहता है अपने एनवायरमेंट को। फॉर फूको नॉलेज इज ऑलवेज ए फॉर्म ऑफ पावर, ही टेक्स इवन साइकेट्री एंड द मेंटल हेल्थ एज ए न्यू टेक technologies that categorize certain forms of social and sexual behavior as deviant in order to control them. वो तो ये भी समझते हैं कि ये जो मॉडर्न साइंस डेवलप हो रही है साइकेट्री की फॉर्म में, साइकोलॉजी की फॉर्म में, और ऐसे हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो इनका भी पर्पस जो है वो दूसरे लोगों को कंट्रोल करना है। जाहिर है जो लोग ज़्यादा डिवियंट होंगे उनको पागल करार कर करके तो पागल खाने भेज दिया जाएगा। यानी नॉर्मल क्या है, व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज एबनॉर्मल, ये स्टेट डिफाइन करती है। दिस व्यूज हैव लेड टू द चैलेंजिंग ऑफ द ऑल सॉर्ट ऑफ द पॉलिटिकल सोशल एंड द जेंडर कॉन्स्ट्रक्ट्स टेकन एज नेटवर्क ऑफ पावर। यानी जितने भी ये कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, जेंडर है, जितने भी ये कंस्ट्रक्टेड रियलिटीज हैं, जहाँ जो हमने बाद लीला में बात की थी, ये सारी के सारी नेटवर्क ऑफ पावर है। इनका पर्पज है रिप्रेस करना वीक और इंडिविजुअल और डिसएडवांटेज एंड फीमेल एटसेट्रा को। इसी वजह से फिर फूको के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म में भी अप्लाई किया जा सकता है, वहाँ पे जो है वो पावर का जो ताल्लुक है एक्सप्लॉयटर और एक्सप्लॉयटेशन का, और एक्सप्लॉयटेड का और एक्सप्लॉयटर का, और इस तरह मेल और फीमेल के दरमियान जो रिलेशनशिप है, और इस तरह ईस्ट और वेस्ट का जो ताल्लुक है, इस तरह हजारों तरह की जो बाइनरी का कॉन्सेप्ट है उसका, और यहाँ पावर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिक्स कर सकते हैं जब एनालिसिस करते हैं। तो उसके अलावा एक और थिंकर जिनकी थ्योरी मैंने अपने टाइम में जो एमफिल किया था, तो रोलैंड बार्थ को अप्लाई किया था। ही वाज बोर्न इन 1915 डाइड इन 80, अ फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक थियरिस्ट। बार्थ हैज बीन क्वाइट इन्फ्लुएंशियल अमंग द पोस्ट मॉडर्न राइटर्स एंड द क्रिटिक्स। इनका भी एक बड़ा मकाम है। हिज प्रिंसिपल कंसर्न डिस्पाइट हिज वेरीड राइटिंग्स रिमेंस विद रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी एंड विद द लिटरेरी फॉर्म्स दैट मीडिएट देम द टू। इनका सारा जो फोकस था
वो यही था कि लैंग्वेज और सोसाइटी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, और ये जो आर्ट है वो मीडिएट करता है बिटवीन सोसाइटी, इंडिविजुअल और सोसाइटी के दरमियान मीडिएशन है। द आइडिया इज दैट नो लिटरेरी कंपोजिशन कैन बी स्टडीड इन आइसोलेशन, बीइंग वन ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ द कल्चर एंड एक्सप्रेशन ऑफ द सोशल सोसाइटीज रूलिंग डिस्कोर्स। तो कोई भी आर्ट वर्क है, कोई भी चीज़ है, वो इंडिविजुअल आइसोलेटेड आप स्टडी नहीं कर सकते। इन्होंने जो बायोग्राफिकल स्टडी है उसको रिजेक्ट कर दिया कि आथर बिल्कुल एक इंडिविजुअल है जो आज़ाद है और फिर अपनी मर्जी से जो वो तख्लीक करता है। इन्होंने कहा ऐसा नहीं होता, बल्कि सारा कुछ कल्चरल रियलिटीज है। आर्टिस्ट या बुक्स जो है ये भी कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, और इनके अंदर भी जिस एनवायरमेंट में ये प्रोड्यूस होती हैं आप उस बैकग्राउंड में सबके साथ लिंक करके इसको समझा जा सकता है, अलग करके नहीं समझ सकते आप वर्क को। And study of the text will be useful if it is done in relation with other contemporary practices of same culture. यानी आप तभी वो आपको समझ आएगी जब आप फैशन को, इवन सिगरेट स्मोकिंग, स्टाइल ऑफ रेसलिंग, ये सारा कुछ जिसमें इंक्लूड होगा, सोसाइटी के सारे स्ट्रक्चर को समझेंगे तो फिर आपको बुक की भी समझ आएगी या कोई भी आर्ट वर्क जो है। कल्चरल स्टडीज ऑन द एस्पेक्ट ऑफ द पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिकल थियरी ऑल्दो फाउंडेड बाय द रिचर्ड होगार्थ द यूज ऑफ द लिटरेरी इन 1957 रेमंड विलियम्स कल्चर एंड सोसाइटी वाज अ ग्रेट ड्यू टू द राइटिंग्स ऑफ द बार्थ एज वेल। ये जो कल्चरल स्टडीज है, ये कल्चर स्टडी का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये ह्यूमंस आर आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ द कल्चर, बुक्स आर आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ द कल्चर। तो कल्चरल स्टडीज इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि कल्चर जो सिस्टम है, हर कल्चर दूसरे कल्चर से एक अलग कल्चर सिस्टम होता है और चीजें उसी के अंदर मीनिंगफुल है, उससे बाहर उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हमें जो है वो जैसे ओल है तो वेस्ट के अंदर विजडम की अलामत है, या अमेरिका की एक पार्टी जो है वो डंकी को अपना जो है वो सिंबल बनाती है, लेकिन हम नहीं बना सकते क्योंकि हमारे यहाँ ओल हो या डंकी हो इनके साथ डेरोगेटरी मीनिंग्स एसोसिएटेड है, तो डिफरेंस ऑफ द कल्चर है वो डिफरेंट मीनिंग जनरेट करता है। बार्थ्स फेमस वर्क मिथोलॉजीज जिन्होंने 1957 में लिखा था, एज वेल एज हिज फर्स्ट essay on the writing in 1953 demonstrates that no form or style of writing is free expression of author's subjectivity, that writing is always marked by the social ideological values, that language is never innocent. ठीक है, लैंग्वेज जो हम कहेंगे बड़े इनोसेंटली उसको यूज कर रहे हैं, उसमें अंदर कोई ideological construction नहीं है, ऐसा नहीं है। हर दफा हर जो जो भी आप डिस्कोर्स जनरेट करेंगे वो डिस्कोर्स होगा मेन, उसमें अंदर ideological construction होगी और वो आपके अंदर एक एक ना एक एंगल से सोच को डेवलप करेगा, यानी किसी न किसी मिथ को आपको अडॉप्ट करना होगा वर्ल्ड को देखने के लिए, मिथ से बाहर आप नहीं जा सकते। अ सेंस ऑफ द नीड फॉर द क्रिटिक ऑफ द फॉर्म ऑफ द राइटिंग दैट मास्क द हिस्टोरिकल पॉलिटिकल फीचर ऑफ अ सोशल वर्ल्ड बाय मेकिंग इट अपीयर दैट न्यूट्रल आर इनएविटेबल प्रोवाइड्स एग्जांपल्स बिहाइंड द एनालिसिस ऑफ मिथोलॉजीज। मिथोलॉजीज बुक है वो मॉडर्न मिथ कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। बास अदर बुक्स इंक्लूड एलिमेंट्स सिमियोलॉजी, Writing degree zero, the player of the text and the death of the author. इनका बड़ा फेमस वर्क है, the death of the author, आपने जरूर नाम सुना होगा इनका। इसमें इन्होंने आथर की जो अहमियत है वो बुक क्रिएट करने के बाद खत्म कर दी कि उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो एक टेक्स्ट है और टेक्स्ट जो है आथर खुद एक क्रिटिक है। अगर आथर कहता है कि मेरे टेक्स्ट में ये लिखा है तो वो खुद एक क्रिटिक है और इससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है, और हमें वर्क को आथर से अलग करके समझना चाहिए क्योंकि वो प्रोडक्ट ऑफ द कल्चर है। लेटर इंक्लूड्स इमेज, म्यूजिक, टेक्स्ट जिसे एडिट किया था स्टीफन हीथ ने। इन हिज एसेज मेंशन लास्ट बास प्लीड्स फॉर अबैंडनिंग द कन्वेंशनल ऑथर एंड वर्क्स अप्रोच इन फेवर ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल एंड साइको एनालिटिकल रीडिंग ऑफ कैनोनिकल टेक्स्ट। तो इन्होंने कहा कि हमें साइको एनालिटिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल रीडिंग करनी चाहिए बजाय जो कन्वेंशनली हम कहते हैं कि शायर क्या कहता है, आर्थर क्या कहता है, हम हमेशा यहाँ पे फोकस करते हैं। उन्होंने कहा कि उसकी अब कोई अहमियत नहीं है। His insistence is that literature as well as literary criticism as well as language itself is never neutral. क्योंकि कुछ भी neutral नहीं है, everything is culturally oriented, culture की product everything and so everything has its inherently ideological. उसके अंदर वो structure, ideology, वो जो prejudices हैं, वो जो power structure है, वो जो binary है, जो भी उस culture की है वो सारी चीज़ें उसके अंदर inherently built in होंगी, आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। His ideas about language and the author and their relation with social world promoted cultural studies as well as reader response theory. तो cultural studies में भी इनका एक किरदार है, reader response theory के अंदर भी हम ये देख सकते हैं इनको, और बाद में आते हैं जैक लकान की तरफ से हमारा नेक्स्ट जो author है।
फ्रेंच साइको एनालिस्ट है। इन्होंने जो स्ट्रक्चरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, और इन्होंने फ्राइड का जो कॉन्सेप्ट है साइको एनालिसिस का और स्ट्रक्चरलिज्म को मिक्स किया। लकान हैज एन इम्पेंस इन्फ्लुएंस ऑन द लिटरेरी थियरी ऑफ अवर टाइम एज वेल एज द फिलोसफी फेमिनिज्म एंड साइको एनालिसिस। मोस्ट ऑफ हिज इम्पोर्टेंट राइटिंग्स इंक्लूड इन हिज एक्रिल्स 1966 में जो पब्लिश होती है। His writing full of allusion to the surrealism contended that the unconscious is structured like a language. तो एक और जो कॉन्सेप्ट अपने जमाने में था सरियलिज्म। दिस इज टाइप ऑफ द इज्म व्हिच डिस्क्राइब द रियलिटी एज अ ड्रीम लाइक रियलिटी। तो ड्रीम में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं दैट काइंड ऑफ रियलिटी। हिज नोशन ऑफ द फ्रेगमेंटेड बॉडी क्लियरली शोज हिज डेट टू सरियलिज्म। तो एक लिहाज से उन्होंने सरियलिज्म को लिया, स्ट्रक्चरलिज्म को लिया और साइकोनालिसिस, इन तीनों को मिक्स करके इन्होंने लकानियन कॉन्सेप्ट जो। तो नेक्स्ट हमारा जो आथर है वो है मिखेल बैख्तिन। शायद ये हमारे थिंकर्स में लास्ट थिंकर है, डोंट वरी, मुझे पता है काफ़ी मुश्किल है इन थिंकर को सुनना, इनको समझना तो इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। रशियन लिटरेरी थियरिस्ट हैं ये। बैख्तिन हैज़ बीन ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द कंटेम्प्रेरी थियरी ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस। डिस्कोर्स एनालिसिस पे इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इट इज़ बेस्ट नोन बाय हिज वर्क्स नेम द डायलॉजिक इमेजिनेशन 1981, Speech Genre and Other Literary Essays 1986, और Rabelais and His World and the Problems of the Dostoevsky's Poetics। Dostoevsky जो है ये Crime and Punishment आपको वर्क याद होगा, रशियन जो बहुत बड़े आथर है। In these studies there is a critique of Russian formalism and outline of his characteristic theme of dialogism। तो रशिया का जो formalism का जो concept था उससे पहले चल रहा था उसको इन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, उसे रिजेक्ट किया और डायलॉजिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। ही क्रिटिसाइजेस फॉर्मलिज्म फॉर इट्स एब्स्ट्रैक्शन, फॉर इट्स फेलियर टू एनालाइज द कंटेंट ऑफ द लिटरेरी वर्क। क्योंकि फॉर्मलिज्म कहते थे फॉर्म जो इंपॉर्टेंट है और इसमें जो कंटेंट है किसी भी ऑथर का उसकी कोई अहमियत नहीं है, और फॉर्मलिस्ट सिर्फ फॉर्म को स्टडी करते हैं, फॉर्म को एनालाइज करते हैं और अल्टीमेट प्रोडक्ट समझते हैं। एंड फॉर द डिफिकल्टी इट फाइंड्स इन एनालाइजिंग लिंग्विस्टिक एंड आइडियोलॉजिकल चेंजेस। तो बैख्तिन ने कहा कि क्योंकि कोई भी जो टेक्स्ट है उसके सिर्फ फॉर्म को स्टडी करना इनफ नहीं है, वो मिसलीडिंग हो जाएगा क्योंकि उसका जो कंटेंट है वो इनोसेंट नहीं होगा, वो आइडियोलॉजिकल होगा। आइडियोलॉजिकल जो है उसके अंदर पैटर्न होंगे, तो उसको अगर हम इग्नोर करेंगे तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। इट इज लेटर वर्क बैख्तिन डेवलप्स हिज हिस्टोरिकल पोएटिक्स इन थियरी ऑफ द स्पीच जॉनर्स। सो इन्होंने अपनी एक थियरी स्पीच जॉनर की दी और इस तरह उन्होंने डिस्कोर्स एनालिसिस पे अपना खासा कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसकी बेसिकली बुनियादें तो फूको ने रखी थी और नीचे की बात को इन्होंने और आगे बढ़ाया है फूको और नीचे की।